नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश गुप्ता और प्रताप फास्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा है 28 तारीख को होने वाला भारत बंद। कुछ मोदी के खिलाफ कुछ सारी पार्टियां इकट्ठी होकर 28 तारीख को भारत बंद करना चाहती हैं। मैं इस मुद्दे पर सवाल उठाना चाहता हूं। वो लोग कहते हैं 125 करोड़ देशवासी परेशान हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या 125 करोड़ देशवासी में आप भी आते हैं? मैं तो नहीं आता हूं उस 125 करोड़ देशवासी में जो परेशान हूँ। हाँ, मेरे पास पैसा कुछ है, वो बैंक में पड़ा हुआ है, लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ। आज मेरे देश की 80% जनता, 80% जनता जिसकी आमदनी 1 लाख से नीचे है, वो परेशान क्यों है भाई? इन्हीं लोगों का पैसा वो वाइट करने में परेशान है, इन्हीं लोगों का पैसा। और परेशान तो ज़्यादा लोग ये हैं 28 तारीख को भारत बंद करने जा रहे हैं। ऐसा कोई नेता पैदा नहीं होगा जो इतना बड़ा फैसला ले सके। नरेंद्र मोदी को इसीलिए लाइटली नहीं लिया जाता है। इसमें यही फैसला जानने के लिए आया हूँ, क्या आप 28 तारीख को भारत बंद के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं? अगर पक्ष में हैं तब तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको आने वाले भविष्य में ऐसा दमदार नेता मिलने वाला नहीं है जिसकी डंका पूरे विश्व में बजता हो। नरेंद्र मोदी को कुछ लोग इतना लाइटली लेते हैं, आप लाइटली इतना मत लीजिए नरेंद्र मोदी को, क्योंकि नरेंद्र मोदी के विरोधियों की नरेंद्र मोदी का नाम सुनकर उनकी रूह कांप जाती है। पाकिस्तान जो देश डरता नहीं था कभी, इंडिया से आज डरने लगा है, चीन डरने लगा है, अमेरिका भारत का कायल हो गया है, भारत की दीवानगी आ गई है उसके अंदर। ट्रंप मोदी के नाम से जीत गया है। कुछ लोग मोदी को हल्के में ले रहे हैं, लेकिन मैं उनसे बता दे रहा हूँ, आप मोदी को हल्के में मत लीजिए। मोदी एक नाम ही नहीं, बहुत कुछ है। दोस्तों, मैं भी आज बैंक गया था, बहुत परेशान था, बहुत निराश था। बैंक में गया था, इतनी लंबी लाइन, लगभग 150 लोगों के बाद मेरा नंबर आया। मैं अंदर गया, बैठा, मुझे 25,000 रुपये का ट्रांसफ़र करवाना था किसी को, और वो ट्रांसफ़र होने के लिए इतना परेशान किए। लोग बोल रहे हैं ये करो, वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, ये करवाना पड़ेगा, वो करवाना पड़ेगा, लेकिन मैं तब भी निराश नहीं हुआ, क्योंकि ये देश के हित मेल के लिए काम किया गया है। ये मोदी अपने हित के लिए काम नहीं किया है, कोई ऐसा काम नहीं है जो अपने हित में हो। मोदी अपने हित में क्या काम करेगा? वो तो अपनी पूरी सैलरी दान कर देता है भारत रत्न को, उसमें वो अपने लिए क्या काम करेगा? सबसे बड़ी बात यह है, परेशान मैं भी गया था, बैंक में हुआ था, लेकिन सबसे अच्छी खुशी मुझे उस वक्त मिली जब मैं बैंक में बैठकर उन वृद्ध लोगों का फॉर्म भरने लगा। लगभग नियर अबाउट 25 लोगों का मैं फॉर्म भरा, बहुत खुशी हुई। इतना खुशी हुआ, चलो मेरा काम थोड़ा लेट हो जाए चलेगा, थोड़ी सुविधा कम मिलेगी चलेगा, थोड़ी परेशानी होगी चलेगा, 50 दिन की मैं परेशानी झेलने के तैयार हूँ, और मैं जनता के बीच में रहता हूँ, मैं ये भी बताने के लिए तैयार हूँ, हमारे देश की 90% नियर अबाउट 90% जनता ये परेशानी झेलने के लिए तैयार है, और उम्मीद है आप भी तैयार होंगे। बदलना तो इंसानों को था, नोट तो एक बहाना है। अगर कुछ लोग बेईमान ना होते तो मैं कसम बताता हूँ आज इतने परेशान ना होते। हम बाजारों में जाएंगे, सब लोगों को समझाएंगे, तुम डंडे से बंद करो, हम फूलों से खुलवाएंगे। अजय अंजाम चुनौती तुमको आज मैं दे रहा हूँ, बंद विफल करवाने की प्रभु की सौगंध ले रहा। अंधे युग को काट रही सूरज की उजली पाखे, तुम कहते हो बंद करें हम ऐसे में अपनी आंखें। परिवर्तन का पुण्य यज्ञ हम विफल नहीं होने देंगे, बंदी का ये षड्यंत्र तुम्हारा सफल नहीं होने देंगे। ऐसे खत्म हुए हैं लेकिन मन में गैरत जिंदा है, नौजवान की आंखों में सपनों वाला भारत जिंदा है।